सुनो दोस्तों, कभी सोचा है सूरज कैसे चलता है? चलो आज इसके बारे में बात करते हैं। सूरज गैस का एक बहुत बड़ा गोला, इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन होती है करीब 74% और हीलियम होती है करीब 24% और थोड़े से भारी एलिमेंट्स भी होते हैं। अब इसकी परतों को खोलते हैं। सबसे अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है और ढेर सारी एनर्जी छोड़ती है। उसके बाद रेडिएटिव जोन आता है, फिर कन्वेक्टिव जोन। उसके बाद जो दिखता है वो है फोटोस्फीयर, सूरज की सतह। उसके ऊपर है क्रोमोस्फीयर और सबसे ऊपर है कोरोना, यानी सूरज का बाहरी वातावरण। मजेदार बात, सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, 93 मिलियन मील का सफर तय करके। हमारा सूरज अभी बीच की उम्र में 4.6 बिलियन साल पुराना है और इसी तरह 5 बिलियन साल और चलेगा। उसके बाद ये एक रेड जायंट बनेगा और फिर व्हाइट ड्वार्फ। सूरज की एनर्जी से धरती की क्लाइमेट चलती है, फोटोसिंथेसिस होता है और जिंदगी के लिए गर्मी मिलती है। ओह, और सूरज की वो खतरनाक एक्टिविटीज मत भूलना, सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और बहुत कुछ। सीखते रहो, खोजते रहो।